हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनू इन्फोटेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ WD-SN350 NVMe SSD की अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास है WD ग्रीन SN350। तो ये आज की अनबॉक्सिंग बहुत ही खास होने वाली है आपके लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत ही प्यारी SSD है, जो आप अपने किसी भी लैपटॉप में जिसमें M.2 या NVMe पोर्ट हो, M.2 पोर्ट में ये इंस्टॉल होती है। तो यहाँ पर हम इसे यहाँ से ये कंपनी की जो सील है वो काट देते हैं और यहाँ से हम इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। देख सकते हैं आप भी अगर SSD बाय कर रहे हैं तो आप भी बिल्कुल ऐसे ही इसे अनबॉक्स करें। अगर आप गलत तरीके से अनबॉक्स करेंगे तो ये क्रैक भी हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी पैकिंग में है और यहाँ पर ये मैनुअल है इसका। देख सकते हैं आप, बहुत ही छोटा मैनुअल दिया हुआ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं वेस्टर्न डिजिटल, ये मैनुअल हटा देते हैं। आइए दिखाते हैं आपको ये SSD। ये देखिए, ये बहुत ही प्यारी SSD है। आप M.2 पोर्ट में बहुत ही आसानी से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने आप विंडो भी इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका अगर आप सिंगल पार्टीशन रखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर काम करेगी। तो यहाँ पर आपको ये मैं दिखा देता हूँ यहाँ से निकाल कर। ये देखिए, मैंने यहाँ बॉक्स से बाहर कर लिए और आप देख सकते हैं एक साइड जो है इस पे ये दो चिप लगी हुई हैं। देख सकते हैं आप, ये स्टोरेज है इसकी। ये देखिए यहाँ पर ये सैंडिस्क जो है, सैंडिस्क की स्टोरेज इस पर लगाई हुई है और यहाँ पर एक नीचे की साइड IC दी हुई है जो इसे कंट्रोल करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 240 GB की है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।